दोस्तों, पोको M4 Pro 4G डिवाइस में पोको की तरफ से MIUI 13 का एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को इंडियन यूजर्स के लिए ऑफिशियली रोल आउट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी न्यू अपडेट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल दोस्तों, पोको M4 Pro डिवाइस में पोको की तरफ से MIUI 13.0.3.0 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली यहाँ पे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया है। एंड ये स्टेबल अपडेट है, एंड इस अपडेट का साइज आपको 589 MB देखने को मिलेगा। वैसे ये MIUI 13.0.3.0 का स्टेबल अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में नवंबर 2022 के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा यहाँ पे इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो सिस्टम के सिक्योरिटी को इस न्यू अपडेट के बाद और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। साथ ही सिस्टम में ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, इस MIUI 13.0.3.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, तो डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में आपको और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इस न्यू अपडेट के बाद गेमिंग सेक्शन में भी ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, तो यहाँ पर गेमिंग में भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे फाइनली काफ़ी सारे यूज़र्स के डिवाइसेस में बैटरी ड्रेन का भी इशू देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स को देखने को मिल रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी यूज़र्स को देखने को मिल रहा है, तो उसे भी यहाँ पे इस अपडेट के बाद फिक्स्ड किया गया। इसके अलावा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, फिर अबाउट फोन में चले जाना है, लास्ट में आपको वहाँ पे वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको MIUI 13.0.3.0 का न्यू वर्जन देखने को मिल जाएगा, एंड सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट देखने को नहीं मिला है तो टेंशन की बात नहीं है, 7 डेज का वेट कीजिएगा, आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस ये सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।